नमस्कार दोस्तों, आरएच डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सूट के लिए जैकेट बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहले हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। इस तरीके इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इस साइड से कपड़े को बराबर से कट कर लेंगे। तो देखिए, जो हम जैकेट बनाएंगे वो तैयार 16 इंच है। हम देखिए नीचे की साइड से 1 इंच छोटे हुए इस तरह बराबर से निशान बना लेंगे। अब यहाँ से हमें नापना है जहाँ से हमने निशान बनाया है। तो तैयार देखिए हमारी जैकेट 16 इंच है, तो 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। इस तरह देखिए हम 17 इंच लेंगे। दूसरी साइड भी हम 17 इंच पर निशान बना लेंगे और इस तरह से इसको मिला देना है। इस तरह देखिए साइज के हिसाब से ही अपने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। तो ये जैकेट जो हम बना रहे हैं वो कुर्ती या सूट पर पहनने के लिए है। तो सूट की लंबाई जैसे यहाँ शोल्डर हम सूट का 7 इंच लेते हैं, तो जब हम जैकेट बनाएंगे तो आधा इंच से कम लेंगे। इस तरह देखिए हम 6.5 इंच पर निशान बनाएंगे। अब देखिए इसके गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। आर्म होल इसका देखिए हमने 7 इंच दो पॉइंट लिया है, आप 7 या 7.5 ले सकते हो। यहाँ पर 1 इंच पर गुलाई देना है। देखिए हम बैक साइड यानी पीछे की साइड की कट कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पर हम गले की गहराई ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 इंच लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। इस तरह देखिए इसको गुलाई देंगे। और देखिए जो हम कोटी बना रहे हैं उसकी साइज है चेस्ट साइज 34 इंच है। तो इस तरह देखिए हम शोल्डर से यानी कि आर्म होल से यहाँ पास चेस्ट साइज का जो हमारे निशान है तो यहाँ 1/4 भाग लेंगे, तो 34 इंच है, तो 8.5 इंच सबसे कमर का भी जो नाप है उसी की 1/4 भाग लेकिन निशान बनाना है। अब इससे देखिए हम बाहर की तरफ 2 इंच ज्यादा कपड़ा लेंगे। अब देखिए यहां से हमें इस तरह से गुलाई लेना है। अब देखिए इसे हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह 1/2 इंच चुकाना है, या तो आप इसे कटिंग के समय कट कर सकते हो या सिलाई लगाते समय भी यहाँ पर कट कर सकते हो। देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। देखिए शोल्डर आर्म होल सेम ही लेना है, शोल्डर 6.5 इंच। अब देखिए यहां से हम इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, ये फ्रंट पार्ट है तो यहां पर शोल्डर 1/2 इंच इस तरह से लेना है। अब देखिए ये हमने इसके आर्म होल की है। अब हमें गले का निशान बनाना है, तो गला देखिए हम 3 इंच लेंगे, जितना हमने बैक पार्ट का लिया है उतना ही फ्रंट का भी लेना है। अब यहाँ से जो हम गला लेंगे उसकी गहराई लेंगे 9 इंच। यहाँ से हम इस तरह गले का शेप देंगे। लंबाई जितनी हमारी बैक पार्ट साइड की है उतनी हमें फ्रंट की भी लेनी है। तो देखिए 17 इंच पर निशान बनाएंगे। यहाँ से देखिए हमें गुलाई देना है, तो गुलाई देखिए हम 3 इंच पर। देखिए इसके फिटिंग का भी निशान बना लेंगे, 8.5 इंच 1/4 भाग लेंगे, तो 8.5 इंच। इस तरह कमर का भी ले लेंगे 1/4 भाग निकाल के। उसके बाद देखिए 2 इंच कपड़ा इस साइड से भी हमें ज्यादा लेना है मार्जिन के लिए। अब हम इसे कट कर लेंगे, तो शोल्डर की इस साइड में 1/2 इंच झुकाते हुए इसे भी कट करना है। तो इस तरह देखिए हमारी फ्रंट की भी कटिंग हो गई है। अब इसकी हम स्टिच करेंगे। इसके इसका पहले शोल्डर ज्वाइन करेंगे, पर हम यानी कि हम पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए हम पहले शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ही हम गला बनाएंगे। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हो तो पहले बना लो, उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करना है। ये दोनों साइड के शोल्डर को मिलाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए दोनों साइड के शोल्डर को जोड़ लिया है। अब हमें पाइपिंग बनाना है। देखिए इस पर हम रेड कलर की पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए पहले हम पट्टी कट कर लेंगे, कि हमें और भी पट्टी लेना है। 1.5 इंच चौड़ी हम कट कर लेंगे।
हमने कट कर ली है। अब इसे जोड़ लेंगे पट्टियों को। देखिए हम फ्रंट पार्ट के आगे की साइड से सिलाई मतलब पाइपिंग हम लगाएंगे, यानी गले पर नहीं, हमें पूरे साइड पर पाइपिंग लगाना है। देखिए हमने पट्टी लगा ली है, अब हम पाइपिंग बना लेंगे। देखिए जितनी पतली या मोटी पाइपिंग बनाना है उसी हिसाब से इस तरह से बनाना है। तो हम ना ज्यादा मोटी बनाएंगे, बिल्कुल बराबर पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह देखिए हमने पाइपिंग बना ली है। तो इस तरह से देखिए इसके गले पर आउटसाइड में भी हमने देखिए पाइपिंग बना ली है। अब हमें देखिए इसके बाजू पर भी पाइपिंग ही बनाना है। अब हम बाजू पर भी दोनों साइड में पाइपिंग बना लेंगे। देखिए हमने इसके साइड में भी पाइपिंग बना ली है। अब इसी तरह से देखिए हम दूसरी साइड में भी बना लेंगे। तो इस तरह देखिए दूसरी साइड भी पाइपिंग बना ली है। अब देखिए हमें नीचे की तरफ यानी बैक पार्ट पर नीचे की तरफ भी हम पाइपिंग बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए हम इस साइड भी पाइपिंग बना लेंगे, उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। इस तरह देखिए हमने बैक पार्ट पर भी नीचे की साइड में पाइपिंग बना लिया है। अब हमें साइड फिटिंग करना है। इस तरह देखिए हमने एक साइड से इसे फिट कर दिया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसकी फिटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए इसकी साइड की फिटिंग हो गई है। तो इस तरह देखिए हमने जैकेट की साइड फिटिंग कर दी है। अब हमारी जैकेट तैयार हो गई है। देखिए आप यहाँ पर आगे की साइड में खुला रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर जैसे डोरी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर खुला नहीं रखेंगे, इस तरह डोरी लेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों साइड से इस तरह डोरी को लगा देंगे। बांधने के लिए यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से इसे रख सकते हो, डोरी भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर बटन लगाना हो तो उस हिसाब से लगा सकते हो। इस तरह से देखिए हमारी जैकेट बन गई है। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।